टारगेट किलिंग की बात करें तो टारगेट किलिंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं पे पीएम एम्प्लॉय पैकेज की बात करें या रिजर्व कैटेगरी टीचर्स की बात करें तो वो दिन ब दिन धरना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, यूं कह ले कि अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार की तरफ से उनको भेजा जा रहा है कि जाई कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कि क्या नेक्स्ट, जैसे कि टारगेट किलिंग में कहीं हम ना हो, हमारे परिवारजनों को कौन देखेगा। वहीं पर बात करें तो टारगेट किलिंग जो है, जिसमें शर्मा नाम का शख्स जो है टारगेट किलिंग के दौरान उसको भी गोली मार के आतंकवादियों ने मार दिया गया है। वहीं पर आज आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं, महबूबा मुफ्ती की बात करें तो वो ये जो परिवार है उनके पास पहुंची है। तो सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, और महबूबा मुफ्ती से अपने दिल की बातें, यूं कह ले कि अपनी जो गहराई हैं, अपना दुख जो है वो उनसे साझा कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तस्वीरें जो है वो आपको दिखाते हैं, तो आइए ले चलते हैं, तस्वीरें जो है वो दिखाते हैं। पीछे कोई नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मेरे बच्चों का चारा कर, मेरा चारा कर, मैं अनपढ़ हूँ, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, ये मेरी साइना है, ये आपके हवाले है, मैं उसको गांधी के पास लेकर जा रही थी, मेरा दुश्मन ने मेरे रास्ते में गोली लगा दी, तो मुझे कोई पता नहीं चला, हम 24 घंटे जाते थे वहाँ से, अवकाश कमेटी ने उनको ATM कार्ड लगाया था, व्यस्त सर ने उनको छुट्टी रखी थी 5-6 महीने की, हम जा रहे थे हर रोज, मुझे क्या पता था मेरा दुश्मन वहाँ पे, मेरा आयाल छोटा छोड़ कर मेरे पे कौन सी गोलियाँ चलाएगी, मैं क्या करूँ इस आयाल से, मैं यहाँ नंद रही हूँ, जब मेरा सहारा टूट गया यहाँ, मैं क्या करने रहूँ यहाँ, कल को मुझे भी मार देंगे, मेरे बच्चे कहाँ जाए, ये आपके सामने मेरे बच्चे, तो सरकार को तो चाहिए, सरकार को तो चाहिए इसको। फॉर्मर CM महबूबा मुफ्ती की बात करें तो आपने देखा किस तरह से संजय शर्मा, जिसको टारगेट किलिंग के दौरान उनकी मौत हो गई है, वहीं पे महबूबा मुफ्ती जो है उनके परिवार के बीच में पहुंची है, परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। और इस बारे में महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने क्या कहा, तो आइए ले चलते हैं और दिखाते हैं महबूबा मुफ्ती का इनके परिवारजनों को लेकर क्या कुछ कहना है। ये मेरा साथ तो खासकर हम जो मुसलमान हैं, हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम वही कश्मीरी हैं जिन्होंने 1947 में जब पूरे मुल्क के अंदर दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे, हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के यहाँ के कश्मीरी पंडित, यहाँ के हिंदू, यहाँ के सिखों को बचाया, मगर आज हम इतने बेबस और लाचार हो गए हैं, इस किस्म की हलाकतें हमारे सामने हो रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमें कोई, और दूसरी तरफ से गवर्नर साहब रोज बोलते हैं कश्मीरी पंडितों को आप वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, जबकि यहाँ मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे इतना जुल्म हो रहा है, इतना सितम हो रहा है, इतने नौजवानों को जेलों में बंद रखा है, क्या मिलिटेंसी खत्म कर रहे हैं, आज भी इतने घर इन्होंने वहाँ अटैच कर दिए, उनको ताला लगा लिया, रोज ED के छापे, रोज NIA के छापे, क्या हम मिलिटेंसी खत्म करें, अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसके हस्बैंड को किसने मारा, वो बेचारे उसको किसने मारा, गरीब ये 3-3 बच्चियां लेके कहां जाएगी, उसने किसने बिगाड़ा था। तो दूसरी तरफ से महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जो गवर्नर साहब रोज़ बोलते हैं कि कश्मीर बंदों को आप वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, जबकि यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म करने के नाम पे इतना जुल्म हो रहा है, इतना सितम हो रहा है, इतने नौजवानों को जेलों में बंद रखा गया है, क्या मिलिटेंसी अब ख़त्म कर रहे हैं, आज भी इतने जो घर इन्होंने अटैच कर दिए हैं उनको ताला लगा दिया गया है, तो रोज़ ED के छापे, रोज़ NIA के छापे, क्या मिलिटेंसी ख़त्म कर रहे हैं, अगर मिलिटेंसी ख़त्म कर दी गई है तो इसके हस्बैंड को किसने मारा, उस बेचारे को किसने मारा, गरीब के 3-3 बच्चे हैं और ये बच्चे लेके कहां जाएंगे। साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि LG साहब
क्या मिलिटेंसी ख़त्म कर रहे हैं। वहीं पे देखा जाए मुफ्ती आज जो है जो शख्स इस दुनिया से चला गया है टारगेट किलिंग में पहुंची है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हमने आपको डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से दिखाई। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।